देखो बच्चों, अब हम करा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप नवोदय की बिंदु की गुणा। ये सवाल आ जाते हैं इस तरीके से, सवाल लिखा होगा नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, इधर सुनिए अनुराधा, ये सवाल लिखा होगा इसके नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन तभी कर सकते हो आप जब इसको सॉल्व करना जानते हो बाहर जाके, बाहर टाइम बहुत कम होता है नवोदय की परीक्षा में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां मैंने आठ सवाल लिए, कितने लिए इसमें, ये सवाल ये एक से है, ये और ये अलग है। तो पहला सवाल बता रहा हूं मैं, ये लिखा है 9/12 गुणा 4। हमेशा ध्यान रखो कि ये अंक ऊपर है, ये अंक नीचे है, ये अंक ऊपर है, ये दिमाग पर फिट कर लिया करो। और इसके नीचे हम एक भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ना एक की कोई वैल्यू नहीं। जो कट रहा है ऊपर के अंक से नीचे वाला उसे काट दे पहले, देखो तो 4 × 4 = 12। बोलो किसके समझ में आया यहाँ तक, फिर तो भैया कट जाएगा इससे, 3 × 3 = 9 कितना आया 3/1 आंसर। समझ में आया, अगर कट रहा है तो कट काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। नेक्स्ट में देखो दूसरे वाले, 5/13 गुणा 8, ये अंक दोनों ऊपर है ये नीचे, कोई अंक नीचे से ऊपर नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर लो, 5 की और 8 की, 5 × 8 ऊपर वाले की ऊपर से करेंगे, 13 आंसर। नेक्स्ट, तो मेरे हिसाब से ये कर लोगे, ये अंक कोई नहीं कटेगा तो इनकी इनकी गुणा करो, बस ये कर देना। अब देखो 7वां सवाल, 6/13 गुणा 4/5, ये दोनों ऊपर है ये नीचे है, कोई कट रहा है ऊपर से नीचे, ना तो ऊपर से नीचे ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, क्या करोगे, इन इनकी गुणा कर लो दोनों की, 6 × 4 = 13 आंसर। जो ना कटे उन्हें छोड़ दो, जो पहले में कट रहे थे वो काट दिए। अब बात आई यहां पर मिक्स फ्रैक्शन दिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाला सवाल बता दे रहे हो 8वां, ये अपने आप कर लो। 8 ये दिया 5/8 गुणा 1 सही 4/5। ऐसे सवालों में अब सोचो कि तुम यानी इस 5 से ये वाला 5 काट दो, या इस 5 से ये काट दो, नहीं कटेगा, अगर काट दिया आदित्य तो गलत हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन दिए है, मिश्रित भिन्न, ये भी मिश्रित है, इसको साधारण भिन्न में लाओ, साधारण भिन्न इस तरीके से लाओ, इससे आगे कुछ नहीं होती, होल नंबर, इसमें होल नंबर दिया, तो पहले दोनों को सही करो उसके बाद यानी होगा। 8/40 प्लस ये वाला जोड़ो 5/8 गुणा 5 × 5 प्लस ये वाला 4/5। अब ये हो गया 45/8 ये गुणा, ये हो गया 9/5। अब देखो, अब ये सादा यानी प्रश्न बन गया, ये इस तरीके का प्रश्न बन गया। अब जब इस तरीके का बन गया, जो कट रहे हैं वो काट दो, 5 × 5 = 45। अब 8 से ये दोनों कट नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इनकी दोनों गुणा कर दो, 9 × 81 = 8 आंसर। थैंक यू वेरी मच।